ओडिशा सरकार ने जारी किया जनवरी महीने के लिए नया गाइडलाइन, जिसके मुताबिक 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन पर्यटन स्थलों सहित सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया। जीरो नाइट सेलिब्रेशन को पूरे राज्य में बैन किया गया है। प्रतिबंध लगाए गए क्योंकि गुरुवार को ओमिक्रॉन संस्करण के 5 और नए मामलों की पुष्टि हो गई थी, जिससे ओडिशा में नए कोरोना वायरस संस्करण की कुल संख्या बढ़कर 14 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटाबेस के अनुसार राज्य में 1480 सक्रिय मामले हैं। विशेष राहत आयुक्त द्वारा जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने अधिकारियों को पिकनिक स्पॉट, मॉल, शॉपिंग मॉल, होटल, क्लब और रेस्टोरेंट जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ और सभाओं की जांच करने का निर्देश दिया है। सभी सामाजिक और धार्मिक सभाएं प्रतिबंध रहेंगी और पार्कों, नेचर क्लब, समुद्र तटों में पिकनिक की अनुमति नहीं होगी। साथ ही होटलों या किसी अन्य स्थल पर किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक और नृत्य कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। हालांकि सरकार ने अगले साल फरवरी में होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल के पूर्ण अनुपालन के साथ सिर्फ 100 लोगों की राजनीतिक सभा की अनुमति दी है। राज्य भर में पहले जैसे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। विवाह कार्य में 250 लोगों को ही अनुमति दी गई है। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाए रखना सुनिश्चित किया जाएगा। उल्लंघन करने पर दंड लगाया जाएगा। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए वायरल झारसुगुड़ा, द वन यू ट्रस्ट। आपके ही शहर के मेन रूट से गुजरते वक्त आपकी नजर जरूर कभी न कभी सोनी ज्वेलर्स पे पड़ी होगी। यहाँ हर प्रकार के सोने एवं चांदी के जेवरात मिलते हैं। कभी आने का कष्ट उठाए और हमें सेवा का मौका दे, धन्यवाद।